अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान में वैसे तो कई सारे बदमाश हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदमाश भी हैं जिनका नाम सुनकर आज भी कई लोग डर जाते हैं। कौन कौन से हैं वो बदमाश, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नंबर एक, सदाकत गुज्जर, जिसको काला गुज्जर भी कहा जाता है। ये पंजाब के इलाके वहाड़ी से ताल्लुक रखते थे। इनके बदमाश बनने की कहानी 1995 से शुरू हुई, जब सदाकत के वालिद ने अपनी जमीन वहां के एसपी को बेची तो उस एसपी ने सदाकत के वालिद को पैसे देने की बजाय इन पर फेक केसेस बनाकर जेल में डाल दिया और उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिससे सदाकत के वालिद की मौत हो गई। सिर्फ सदाकत के वालिद ही नहीं बल्कि सदाकत के भाई को भी उस एसपी ने गोली मार कर कत्ल कर दिया। अपने भाई और वालिद की मौत का बदला लेने के लिए सदाकत ने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया और इसने अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए एसपी खुरम गुज्जर के घर में घुसकर इसने सबको खत्म कर दिया। इसके इस जुर्म के बाद हुकूमत ने इस पर 50 लाख रुपए का इनाम रख दिया, लेकिन ये बंदा भागने की बजाय उस पुलिस स्टेशन में घुस गया जहां पर इसके भाई और वालिद को कत्ल किया गया था। दरअसल इसके बाप और भाई के कत्ल में एसपी के अलावा जितने भी लोग इस कत्ल में शामिल थे, सदाकत ने उन सब को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया। दरअसल इसके बाप के कत्ल में एसपी के अलावा जितने लोग भी इस कत्ल में शामिल थे, सदाकत ने उन सब को कत्ल करने का इरादा कर लिया। इसने बुर्का पहनकर उस पुलिस स्टेशन में जाकर उन सारे पुलिस वालों को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया जो इसके बाप और भाई के कातिल थे। इसके बाद इसने कई सारे जरायम किए, इसे गिरफ्तार करने की कोई भी जुरत नहीं करता था और आखिरकार इसे एक पुलिस मुकाबले में खत्म कर दिया गया। ये अपने दौर का एक खतरनाक डॉन था। नंबर दो, अरशद भट्टी। दोस्तों अरशद भट्टी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। इनका ताल्लुक पंजाब के इलाके शेखुपुरा से था। 2001 में शेखुपुरा के एक एमएनए ने कत्ल के मामले पर इससे भेदभाव किया, लेकिन अरशद ने गलत काम करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उस एमएनए ने अरशद के भाई को अगवा कर लिया और उसे तशद्दुद करके मार डाला। उस एमएनए ने अरशद पर भी झूठे इल्जाम के तहत उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अरशद ने अपना बदला लेने के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। इसने अपने पास मौजूद सारे पैसों से असलहा खरीद लिया और उस एमएनए के घर पर हमला कर दिया। इसने कई मुजरमों के साथ मिलकर इस एमएनए के बेटे को भी अगवा कर लिया और उसे भी उसी तरह तशद्दुद करके मार डाला जिस तरह इसके भाई को मारा गया था। इसके बाद अरशद को पकड़ने के लिए कई सारे ऑपरेशन किए गए, लेकिन ये सब नाकाम रहे। आखिर आईजी पंजाब ने इसको पकड़ने पर इसके सर पर 2 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। इस सब के दौरान जब ये फरार था तो गवर्नमेंट ने इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, जिस पर अरशद ने उस वक्त के वजीर आला को फोन करके कत्ल की धमकी दी। इसके बाद गवर्नमेंट ने ही इसके कत्ल के ऑर्डर जारी कर दिए। फिर इसके आदमी ने इसकी मुखबरी की, जिससे पुलिस इसको कत्ल करने में कामयाब हुई। नंबर 3, माजा जट। दोस्तों ये आदमी कोई कातिल नहीं बल्कि ये एक स्कूल टीचर था। इसके वालिद मुल्तान के जमींदार थे। इसके वालिद ने अपनी 4 एकड़ की जमीन एक एसएचओ को बेची। से जमीन तो ले ली थी, लेकिन इसके पैसे अदा ना किए। उल्टा उस एसएचओ ने माजा के वालिद पर कई झूठे केसेस बनाकर उसे जेल में डाल दिया और तशद्दुद करके मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस एसएचओ ने इस कत्ल का इल्जाम इसके बेटे माजा जट पर लगा दिया। माजा जट को जेल में बंद कर दिया। ये केस 2 साल तक चलता रहा और कोर्ट ने सबूत ना होने पर इसे रिहा कर दिया। इन 2 सालों में माजा बिल्कुल बदल गया। जेल में इसकी मुलाकात खतरनाक मुजरिमों से हुई। उन्होंने इसे भी एक मुजरिम बना दिया। जेल से निकलने के बाद इस एसएचओ को ड्यूटी के वक्त माजा ने कत्ल कर दिया।
इसके बाद माजा को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन किए गए, लेकिन माजा ने भी अपनी पूरी टीम बना ली थी। जब पुलिस इसे पकड़ने आई तो माजा और उसकी टीम ने जवाबी फायर किए, जिससे 20 पुलिस वाले मारे गए और माजा को कुछ भी ना हुआ। फिर आईजी पंजाब ने इसके सर पर 70 लाख रुपए का इनाम रखा और पूरे मुल्तान में इसके पोस्टर लगाए गए। फिर इतनी कोशिशों के बाद माजा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया तो डीएसपी ने इसे मारना शुरू कर दिया, जिस पर माजा ने गुस्से में आकर एक पुलिस वाले से बंदूक छीन ली और उस डीएसपी पर फायर किए, जिससे पूरी पुलिस फोर्स ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी और माजा जट की वहीं पर मौत हो गई। नंबर 4, मेहर दिलावर आरई। दिलावर, जिसने अपने बचपन में ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा, इसका ताल्लुक मुल्तान से था। मुल्तान के सियासी लोगों ने इसके बड़े भाइयों को कत्ल कर दिया था। ये मामला जमीन के तनाजे पर था। दिलावर की उस वक्त उम्र 14 साल थी। इसने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन वो पुलिस वाले इन लोगों से मिले हुए थे जिन्होंने इसके भाई को कत्ल किया। वहीं से दिलावर ने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया। एक दफा तो इसने एक डीएसपी का घर भी लूट लिया। दिलावर का थोड़ा बड़े होते ही इसने उस एमएनए का पता लगाया जिसने इसके भाई को कत्ल किया था। जब इस एमएनए के बेटे की शादी हो रही थी तो दिलावर ने उस शादी पर जाकर वहीं उस एमएनए और उसके बेटे को गोली मार दी। वहीं से इसका राज शुरू हुआ। ये बड़े बड़े ताजरों से भत्ता भी वसूल करता रहा। इसके पीछे फिर पूरी पुलिस फोर्स लग गई और उसे एक इनकाउंटर में मार दिया गया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।